दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एकनाथ शिंदे जो कि स्टेट के सीएम है, अब मैं इस 25 दिन रह गए ने इस पोस्ट पे कायम रहने के लिए, क्योंकि आदितो शुमार बता रहे कि अगला जो सीएम है यकीनन वो एकनाथ शिंदे नहीं रहेंगे, क्योंकि मायावती ने जो अपनी लिस्ट जारी की है जिसमें बीजेपी ने 148 सीट्स पे अपनी किस्मत आजमाएंगी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 80 और अजीत पवार की एनसीपी 53 और महाविकास आघाड़ी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें कांग्रेस 103 जगह, यूबीटी शिवसेना 89 और एनसीपी शरद पवार 87 जगह अपनी किस्मत आजमाएंगे। और जैसा कि सभी जानते हैं कि मुंबई की जो पॉपुलेशन है उसमें मुस्लिम का योगदान 20% है और ये रेशियो बढ़ते ही जा रहा है, ये 25% तक पहुंच जाएगा। मुंबई की पॉपुलेशन में मुसलमानों का हिस्सा 25% रहेगा और मुंबई में इस वक्त 10 सीटें विधानसभा की 10 सीटें जिसमें से कांग्रेस ने 4 को टिकट दिए मुस्लिम कैंडिडेट्स को, जिनके नाम है अमीन पटेल मुंबई देवी, असलम शेख मलाड वेस्ट, आसिफ जकरिया बांद्रा वेस्ट और नसीम आरिफ खान चांदीवली, जबकि तकरीबन इतनी सीट एनसीपी ने दिए अजीत पवार की, यूपीटी शिवसेना ने जो एक सीट दी है मात्र मुसलमान को वर्सोवा से हारून खान को, और एनसीपी शरद पवार ने भी एक सीट दी है फहाद अहमद को अनुशक्ति नगर, उसके अवज में नवाब मलिक की जो लड़की है सना मलिक वो एनसीपी अजीत पवार की टिकट पे वहां किस्मत आजमा रही है। नवाब मलिक जो एनसीपी की टिकट पे मानकुर शिवाजी नगर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं अगेंस्ट अबू असीम आजमी समाजवादी पार्टी के। तो कहने का मकसद ये कि जैसे कि शिवसेना ने 80 सीट लिए टिकट लिए इलेक्शन लड़ने के लिए, वो तो ज्यादा मांग रही थी, वो तो 100 क्रॉस चाहती, लेकिन बीजेपी ने नहीं दी, तो अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास महज है टिकट 80। अगर इसके 80 के 80 कैंडिडेट जीत जाते विधानसभा का इलेक्शन तब भी वो महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, क्योंकि 288 सीट है और हुकूमत बनाने के लिए 145 चाहिए, अगर ये 80 आ भी जाती है तो 65 सीट शॉर्ट पड़ेंगी। तो यकीनन एकनाथ शिंदे जो मालिक ने इनको इतना बड़ा मौका दिया था स्टेट के सीएम बनने का, 250 सीएम थे, तो दोबारा ये सीएम नहीं बनेंगे। और अभी देवेंद्र फडणवीस अपना बैनर लगाना चालू कर दिए नासिक में कि अगला सीएम देवेंद्र फडणवीस होंगे, यहाँ पे घमासान हो रही मायावती में, देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार ये तीनों तो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देख रहे हैं, और आरएसएस का भी फुल समर्थन देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में, तो एक मौका मिल गया था एकनाथ शिंदे को स्टेट का सीएम बनने का, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई कारदगी नहीं निभाए जिससे लोग उन्हें याद कर सकें।